आज T20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 82 रनों से अपने नाम कर लिया है। ये मैच टीम इंडिया के लिए जीतना काफ़ी अहम था और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस अहमियत को समझा और इस मुकाबले को अपने नाम किया। भारतीय टीम के इस मैच में किस तरीके से उन्होंने जीता, इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल का सारा गणित हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया ने यहाँ पर सबसे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी चुनने के साथ ही टीम इंडिया ने 172 रन बोर्ड पर लगा दिए। अगर टीम इंडिया की अगर बात की जाए तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तरफ से सबसे पहले बल्लेबाजी करने पहुंची शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के बीच में एक काफ़ी शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हुई और उस साझेदारी के बल पर इन्होंने एक मजबूत बेस दे दिया था, एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को दे दी थी। जहां पर अगर शेफाली वर्मा की अगर बात की जाए तो 43 रनों की उन्होंने पारी खेली। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर ने भी काफ़ी कमाल की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर की अगर बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर ने एक तूफ़ानी अंदाज में कमाल की अर्धशतकीय पारी खेली। हरमनप्रीत कौर के लिए बात करना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हरमनप्रीत कौर पर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि किस तरीके से हरमनप्रीत कौर की यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में अप्रोच है, क्या बैटिंग अप्रोच है, मतलब हर तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, हर तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आज उन्होंने इस तेज तरार पारी को खेलकर ट्रोलर्स को जवाब दिया है। मात्र 27 गेंदों पर 52 रनों की एक शानदार तेज तर्रार नाबाद पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने भी अर्धशतक जड़ा। तो इन तीन बल्लेबाजों के बल पर जिन पर सभी की निगाहें थी, उन तीनों ने ही आज इस मस्ट विन मुकाबले में और बड़े मार्जिन से इस जीत वाले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया और इन सभी बल्लेबाजों के बल पर टीम इंडिया 172 रन बना पाई। 172 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए। इसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो श्रीलंका की टीम पावर प्ले में ही 3 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी और इसके बाद तो धीरे धीरे करके श्रीलंका की टीम ने अपने विकेट खोने शुरू ही कर दिए। श्रीलंका की टीम की अगर बात की जाए तो चमारी अट्टापट्टू ने महज 1 रन बनाया। इसके अलावा जो उनके अन्य एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बीच में मिडिल ओवर्स में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत साझेदारी करने की कोशिश जरूर की लेकिन वो साझेदारी भी काम नहीं आई और श्रीलंका की टीम महज 90 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो भारतीय गेंदबाजों में रेणुका सिंह ठाकुर ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की। अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा श्रीरंगा पाटिल, इन सभी गेंदबाजों ने काफ़ी अहम योगदान टीम इंडिया को दिया और आशा शोभना ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहां पर गेंदबाजी की। तो इन सभी गेंदबाजों के बल पर टीम इंडिया ने 90 रन पर श्रीलंका की टीम को ऑल आउट कर दिया और इसके बल पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 82 रनों से अपने नाम कर लिया है। अब टीम इंडिया के लिए जीत क्यों जरूरी थी इसको भी हम आपको समझा दें क्योंकि जो टीम इंडिया की सेमीफाइनल की रेस थी उसमें सबसे ज़्यादा जो टीम तंग कर रही थी वो न्यूजीलैंड की टीम थी, पाकिस्तान की टीम थी जिनका नेट रन रेट हमसे अच्छा था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो कि पिछला मुकाबला हारी थी उसका नेट रन रेट तो कम हो गया था लेकिन पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट अभी भी हमसे अच्छा था। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया को चाहिए था कि एक अच्छा जीत तो प्राप्त करे ही लेकिन एक बड़े मार्जिन से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते और टीम इंडिया ने वही किया। इस मुकाबले को एक अच्छे मार्जिन से जीता जिसमें हरमनप्रीत कौर का बहुत बड़ा योगदान था और इस मुकाबले को अच्छे मार्जिन से जीतने के साथ ही टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ चुकी है। अब देखना होगा आने वाले मुकाबलों में किस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन करती है और हालांकि अभी जो मुकाबले हैं खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला है उस पर देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया उस मुकाबले में किस तरीके से प्रदर्शन करती है। वो मुकाबला अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर उसके बाद सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। अगर वो मुकाबला हार भी जाती है तो टीम इंडिया चाहेगी कि बड़े मार्जिन से उस मुकाबले को ना हारे। इसके साथ ही टीम इंडिया ये भी चाहेगी कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ होने वाला एक मुकाबला हार जाए। तो देखना होगा, वर्ल्ड कप रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। श्रीलंका से एशिया कप की हार का बदला टीम इंडिया ने ले लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया खेलने वाली है। तो देखना होगा किस तरीके से टीम इंडिया अब आने वाले वक्त में प्रदर्शन करती है और वर्ल्ड कप में कहां तक टीम इंडिया जाएगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।